और जो बात करेंगे हरिद्वार की, आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सचिव और ये उत्थे कांग्रेस से महबूब आलम और साथी ग्रामीणों के नेतृत्व में यहाँ पर धनोरी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया गया। और वही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धनोरी बिजली घर पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस महबूब आलम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर पिछले लगभग एक महीने से लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे यहाँ पर जनता काफी परेशान है। शाम ढलते यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है। और वहीं एक और यहाँ पर रमजान और साथ ही दूसरी और नवरात्रि को जो है चल रही है, और इस समय भी यहाँ पर काफी परेशानी होती है। वहीं बत्ती गुल हो जाने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन घंटों बिजली गुम रहती है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जल्द ही हमारे इस प्रार्थना पत्र की तरफ से मांग पूरी नहीं की गई तो हल्का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, और हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो आज हमारे गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। उसमें जहाँ तक मुझे पता चला है, गाँव ग्रामवासियों की तरफ से एक जेई द्वारा घूस भी मांगी गई है। आज एक हमारे गांव का नौजवान साथी हमें छोड़कर चला गया, उसका हमें बहुत अफसोस है। बिजली विभाग के सभी अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए, हमने भी इसी अपने धरने को जो एक विकराल रूप लेने वाला था उसे एक सांकेतिक धरना यहाँ पे अपने प्रस्तुत किया।